हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बनता है यहाँ मुर्गे का जो पोटा कलेजी होता है वो पालक का साग डालकर हरी मिर्च वाला बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन यहाँ ना मैं पोटा नहीं खाती, सिर्फ थोड़े से कलेजी या फिर इसमें जो सब्जी पड़ी हुई हो वो खा लेती हूँ। तो अच्छा लगता है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, बन रहा है ये। अगर आपने ट्राई नहीं किया, एक बार ट्राई जरूर करिएगा। और खाने के बाद अगर अच्छा लगे ना तो कमेंट भी बताइएगा, और अगर आप इस तरह से बना चुके हो या बनाते हो तो भी बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करना नहीं भूलना। चैनल पर अगर नया ना तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में प्रेस कीजिएगा बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मुर्गे का 500 ग्राम पोटा कलेजी लिया है और यहाँ पालक का साग डलेगा, तो उसी के हिसाब से एक मीडियम साइज की प्याज ली है जिसको रफली चॉप किया हुआ है। तो ये एक मीडियम साइज का चम्मच कुकिंग ऑयल गर्म किया और प्याज को डाल दिया। प्याज जब पिंक हो जाएगी ना तब पोटा कलेजी इसमें डाल देना है, और वो इसके साथ में ही तलना है। अच्छे से फ्राई कर लेंगे और उस बीच में ना प्याज भी एकदम ब्राउन हो जाएगी। तो जितना इसको बढ़िया से तल लेंगे ना उतना ही अच्छा रहेगा। और इसको अच्छे से धुलना बहुत जरूरी होता है, कैसे भी स्मेल नहीं आनी चाहिए हल्की सी भी। और एक तो अच्छे से धुल लो और दूसरा ना अच्छे से इसको फ्राई कर लो एकदम बढ़िया से। तो एक तो स्मेल भी नहीं आएगी इसमें किसी तरह की, और टेस्ट भी इसका अच्छा हो जाएगा। तो जितना अच्छे से आप तल सकते हो इसको उतना बढ़िया से फ्राई कर लो। उसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। लेकिन ये है हरा हरा एकदम पालक का साग, और जब इसमें डालेंगे मतलब एक तो पोटा कलेजी, उसमें पालक का साग, हरी मिर्च, थोड़ा तीखा चटपटा, मतलब टेस्ट ही अलग हो जाएगा, बहुत बढ़िया टेस्ट हो जाता है। तो आप यहाँ देखिए पोटा कलेजी एकदम ब्राउन ब्राउन हो गया है, वो प्याज भी एकदम ब्राउन दिख रही है। तो यहाँ 1/2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया और इसको सॉटे कर लेंगे 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर अच्छे से चलाकर। और बाद में यहाँ कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे, वो मिर्च एंड नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करोगे। और 1/2 टीस्पून यहाँ लिया है हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, और 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम है लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि यहाँ हरी मिर्च भी यूज करनी है ना। तो ज्यादा हरी मिर्च यूज करेंगे और लाल मिर्च कम। पालक का साग डाल रहे हैं, उसके साथ में तो पालक गोश्त बनाओ या पालक चिकन बनाओ, हरी मिर्च ज्यादा ही अच्छी लगती है। तो क्या करना है, अब जब ऑयल एकदम अलग हो जाएगा, मसाला बढ़िया से भुन जाएगा, तब पालक इसमें ऐड कर देंगे। प्लीज पानी बिल्कुल नहीं डालना क्योंकि पालक पानी छोड़ता है। तो क्या है, यहाँ पालक ऐड कर देंगे। अच्छा, मुझे नहीं पता था, जब मैंने फर्स्ट टाइम ना पालक बनाया था, और वो सूखी वाली सब्जी बनाते हैं ना जो पालक की, तो वो बनानी थी मुझे, तो मैंने बनाई नहीं थी, मुझे पता नहीं था। तो जब मैं पालक बना रही थी ना, पालक और आलू, आलू डालकर, तो मुझे लगा यार इसको गलना भी होगा, मतलब पालक आलू को गलाना भी पड़ेगा। और मैंने किसी से पूछा नहीं, मम्मी घर पे नहीं थी, तो क्या किया मैंने, उसमें ना एक बड़ा वाला ग्लास भर के पानी डाला था, और वो बाद में सूप जैसा दिख रहा था, इतना पानी हो गया था। और पालक ने भी बहुत पानी छोड़ दिया था। बाद में मुझे पता चला कि पानी नहीं डालते हैं पालक में। फिर क्या है, यहाँ पालक डालने के बाद हरी मिर्च ऐड कर देनी है, और वो भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करोगे कि कितना लाल मिर्च आपने डाली है और आपको कितना तीखा चाहिए है, तो उसके हिसाब से क्वांटिटी आप बड़ा या कम कर सकते हो। फिर करना ये है, इसको ना पालक बहुत मतलब एकदम ताज़ा फ्रेश है, नाजुक सी पत्तियां दिख रही हैं, तो फटाफट गल जाएगा, ये टाइम नहीं लगेगा। तो इसको ना क्या क्या हाई फ्लेम पर ही, मैंने बिल्कुल भी लो पे नहीं रखा है, सच में इसमें इतना पानी छूट रहा था, तो हाई फ्लेम पर ही फटाफट इसको पानी को खुश्क किया और हाई फ्लेम पर ही इसको चलाकर भून रही हूँ। तो ये अच्छे से हो गया है एकदम बढ़िया तरीके से। बस अब आप यहाँ अगर चाहते हो कि थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड कर दो, मतलब थोड़ा और टेस्ट बढ़ाना चाहते हो इसका, तो थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर बहुत थोड़ा सा ऐड कर देना, इससे और भी अच्छा जायका आ जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है गरम मसाला, क्योंकि ये स्पेशली मेरी सासू माँ के लिए बन रहा है और उनको गरम मसाला नहीं डलवाना था इसमें। तो बस इस तरह से वो खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है इसकी। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करना नहीं भूलेंगे, और प्लीज अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में प्रेस कीजिएगा बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।